पढ़ना सीखेंगे। ठीक है तो बच्चों सबसे पहले ए की मात्रा पढ़ते हैं। ये ए और ए से होता है एडी और ये है ए की मात्रा जो किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती है। ठीक है और हम ए कैसे बोलते हैं ए, और ऐसे ही हम सारे शब्द को बोलेंगे जब ये मात्रा उस पर लग जाएगी। ठीक है स, अब स में ए की मात्रा लगाएंगे तो स बन गया से, अब ये ब से ब से, फिर अब अगले अगले शब्द पर ब पे ए की मात्रा लगी है तो बन पर ब बन गया बे, और ये ल बेर। ऐसे ही मा, और माँ के बगल में हा, हा पर ए की मात्रा लगी है तो ये बन गया हे, और ये श महेश, महेश। अब ये र और माँ में ए की मात्रा लगी है ये बन गया मे, और ये श रमेश। बच्चों जिस पर भी ये ए की मात्रा लगेगी उस शब्द को हम ए के जैसे ही मिलाकर बोलेंगे ए की मात्रा। ये है ए, और ऐसे क्या होता है एन, और ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा भी ऊपर से लगती है और ये दो मात्रा लगती है इसी के अक्षर पर दो मात्रा। ठीक है ए आप कैसे बोलते हो ए, तो अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे थ को। थ में ए की मात्रा लग गई तो थ बन गया है, है। ल, ल में आ की मात्रा जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ाया था आ की मात्रा तो ल बन गया ला, है ला, है ला। अब सैलाब, स में ए की मात्रा लगी है तो स बन गया सै, और ये ल में आ की मात्रा ला ब सैलाब। ठीक है अब आगे त में ए की मात्रा लगाएंगे त बन गया तय, और ये र में आ की मात्रा रा, और ये क तय रा क तैरा। अब कैलाश, कैलाश क में ए की मात्रा है तो क बन गया कै, और ये ल में आ की मात्रा ला, और ये श कैलाश। आप आगे बढ़ते हैं ओ की ओर। ये है ओ, और ओ से होता है ओपनिंग, और ये है ओ की मात्रा, ये किसी सीधी रेखा के साथ ऊपर लगती है। ठीक है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ठीक है और स्ट्रेट लाइन। चलिए आप पढ़ते हैं च में ओ की मात्रा लगाई तो च क्या बन गया चो, और ये राम चो। ठीक है आप माँ में लगाई ओ की मात्रा माँ क्या बन गया मो, मो र मो। आप ख न खन, और घ में ओ की मात्रा घो, और ये र खन घ न खन घो खन घो। क में ओ की मात्रा क बन गया को, और ये य और ये ल को य ल कोयल। ठीक है ओ आप कैसे बोलते हो ओ, तो ऐसे ही इन शब्दों को भी पढ़ेंगे को य ल कोयल। अब म में ओ की मात्रा मो ख न मोहन। ठीक है अब ओ की तरह पढ़ते हैं। ठीक है ओ की मात्रा जो भी है वो भी ओ की मात्रा की तरह ही होती है, लेकिन ओ की मात्रा के ऊपर दो मात्रा होती है। ठीक है उसके ऊपर दो मात्रा होती है, ओ की मात्रा में दो मात्रा एक रेखा के साथ, और ओ की मात्रा में एक मात्रा एक रेखा के साथ। ठीक है अब आप ओ कैसे बोलते हो ओ, तो ऐसे ही हम बाकी सारे शब्दों को भी पढ़ेंगे, वो व्यंजन पढ़ोगे जिस पर ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है क में ओ की मात्रा लगी तो क बन गया क, और ये आ कौआ। ठीक है आ ह, और थ में ओ की मात्रा है थ बन गया थ, ये ड में आ की मात्रा थ थ ल हथौड़ा। ठीक है आप आगे ये है प, और प में ओ की मात्रा प बन गया क बन गया क, ये है प, और ये है क, क में ओ की मात्रा क बन गया क प क ड़ी पकौड़ी। ठीक है ये बड़ी की मात्रा है बच्चों, पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था बड़ी की मात्रा करके थोड़ा बन गया डी प क ड़ी पकौड़ी। ठीक है अब ये माँ, माँ में ओ की मात्रा लगी है माँ बन गया माँ, और ये स, स में बड़े की मात्रा माँ सी। ठीक है
बेल, महेश, रमेश, सब में एक ही मात्रा है तो हमने वैसे ही पढ़ा जैसे हम ए बोलते हैं, तो हमने सबका उच्चारण उसी प्रकार किया। से ब बे ल म हे श र मे श, ठीक है। अब ए था हमें की मात्रा है ला, आखिरी मात्रा है इसीलिए दा है ला। से ला ब सैरा, तैरा क तैरा, कैलाश कैलाश। ये एक ही मात्रा है तो जिस जिस शब्द पे एक ही मात्रा लगी तो उसका उच्चारण हमने एक ही तरह ही किया, ठीक है। जैसे थ में लग गई है, स में लग गई सै, और त में लग गई तै, और क्या ग में लग गई तो कै, ठीक है। आ ओ की मात्रा, ठीक है। च में ओ की मात्रा चो र चोर, मो र मोर, घन घो र घो घन घोर, कोयल कोयल, मोहन मोहन। ओ जैसे आप बोलते हैं वैसे ही हमने सारे व्यंजनों को भी उसी तरीके से उच्चारित किया। अब आगे औ कौवा कौवा, ठीक है। हथौड़ा हथौड़ा, पकौड़ी पकौड़ी, मौसी मौसी, चौकी चौकी। और जैसे होते हैं ऐसे ही हमने सारे व्यंजनों का भी उच्चारण किया, ठीक है। आप मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप इसका अभ्यास घर पे बार बार करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।